संक्रमण की वजह से करीब एक वर्ष से बंद कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। सभी परिषदीय विद्यालयों में कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। कक्षाओं में पहले 50% बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, फिर अगले दिन बाकी 50% बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। अगर किसी कक्षा में अधिक बच्चे हैं तो स्कूल को 2 पालियों में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बच्चों पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा अभिभावकों की सहमति भी जरूरी है। जनपद में स्कूलों में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक स्कूलों को गुब्बारों को सजाया गया। इसके अलावा स्कूलों में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था की गई। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 1 मार्च से स्कूल खोले जाएंगे। छात्रों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित करने के लिए स्कूलों को गुब्बारों से सजाया गया। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बनकटवा प्राथमिक स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा राय और बीएसए बीएन सिंह ने कहा, क्लासरूम के लिए है हम लोग इस समय जो है 100 डेज कैंपेन चल रहा है ना पेड़ा कैलोसों का, तो हम लोग भाषा और मैथ दो ही पे काम करना है क्लासरूम क्लासरूम के लिए। और समझ पर पे हस्ताक्षर ले लिए गए हैं गार्जियंस के हम लोग, और देखिए अब उधर हमने बनाया है आवश्यक हम लोग को हमने मेरी लाइब्रेरी उधर है हमारी, मगर ये हमने रखा है। ये सबसे बच्चे जब मर्जी करेंगे उठाएंगे इसको पढ़ेंगे और फिर रखेंगे, और ये वन बाई वन बदलती रहेगी। मेन बुक्स वहाँ पर रखी हुई है, ये सारा तो एक साथ रख नहीं सकते, इसी पर लेके हम लोग को चलना है बच्चों को कि मदद से स्कूल चलें। कैसा है सारा कौन सी क्लास किस दिन आएगी ए इसका पटना विद्यालय सजाई, अब देख रहे हैं साफ सुथरा बिल्कुल सैनिटाइज है। विभाग के जो भी आदेश निर्देश थे जो भी मिला था वो पूरा मैंने 100% फुलफिल कर लिया। सुधार है प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बनकर नगर क्षेत्र में। 1 मार्च से बच्चे कल 1 मार्च से बच्चे आ रहे हैं। चूँकि बच्चे हमारे 11 माह से स्कूलों से दूर हैं, तो उनको स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ हमारा स्कूल इतना सुंदर है हमें फिर से चलना है, वो उत्साह उनके अंदर जो है बढ़ाने के लिए हमने स्कूलों को सजाया है। और चूँकि सफाई तो करनी ही क्योंकि कोविड जो अभी गया नहीं हमारे बीच से, तो उसकी तहत आप देख रहे हैं कि पूरा विद्यालय मेरा पूरा फुल सैनिटाइज है, और इसको खूबसूरत इसलिए बनाया कि मेरे बच्चे जो है फिर से उसी उत्साह से विद्यालय में आए। विद्यालय आएंगे बच्चे तो और क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजर का है, मास्क का क्या है इसमें? हाँ सर, मास्क तो मैंने यूनिफॉर्म जब वितरित किया था अगस्त में तभी बच्चों को दे दिया था, तो मास्क के साथ ही बच्चे आएंगे। और सैनिटाइजर आप देख रहे हैं हमने रखा है, और साबुन भी रखा है, हमने हैंड वॉश पूरा टाइल सीट हमने बना रखा है, और बच्चे आएंगे तो मतलब सफिशियंट हमारे पास हैंड वॉश के लिए है उनके पास स्थान। कितने दिन बच्चे आएंगे सप्ताह में? 2 दिन, हर बच्चा 2 दिन आएगा। सोमवार और बृहस्पतिवार को क्लास 5 और क्लास 1 आएगा, मंगलवार और शुक्रवार को क्लास 2 और क्लास 4 आएगा, और बुधवार और शनिवार को क्लास 3 आएगा। इस तरह से हमारा टाइम टेबल है आने के लिए। और क्या व्यवस्था है मध्याह्न भोजन का या? हाँ MDM तो हमारे यहाँ जो अच्छे पात्रा देती है, तो वो अच्छे पात्रा वाले ले आएंगे। हो गया, गार्जियंस को हमने पहले बता दिया है, 22 तारीख से हम सहमत पत्र से पत्र पर हस्ताक्षर ले रहे हैं। विभाग से आया है पूरा प्रोफार्मा है उसके तहत हमने लिया है, सारे गार्जियंस को फ़ोन से बता दिया गया है बच्चे समय से ऐसे भेजेंगे, विथ मास्क भेजना है, नहा धो के सब, क्योंकि उनका जो एक रेगुलरिटी वो ख़त्म हो चुकी है, तो हमें उस चीज़ को फिर से करना है। तो गार्जियंस को हमने फुल कन्विंस कर दिया है, सबको बुला करके बैठ कर फ़ोन के माध्यम से सबसे हमने करके गाँव पर जाके मिल के सब हमने बता दिया है बच्चे हमारे आएंगे। और चूँकि हमारा जो है अब मिशन प्रेरणा के तहत हमें जो है अब हमारा ये शून्य सप्ताह चलेगा,
मतलब एक सप्ताह जो है पूरे वीक हम लोगों को बताया गया, हमारी ट्रेनिंग्स हुई है एक सप्ताह हम लोगों को बच्चों को मतलब बिल्कुल एटमॉस्फेयर में वो करना है, उनको परिचित कराना है, क्योंकि वो पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, तुरंत हमको पढ़ा नहीं देना है, उनके अनुभवों को देखना है कि कोविड में कैसे क्या हुआ, क्या परेशानियाँ हुई घर में, क्या हुआ वो मतलब कविता कहानी है जो प्रिंटरेज में इसको देखेंगे, कुछ विद्यालय चूँकि इतना सुंदर लग रहा है तो इसको देख के खुश होंगे, खेलेंगे, मतलब उनके हिसाब से हमको करना है, इसमें वो इन्वॉल्व रहे। अब हमें जब कम बोलना है बच्चों को ज़्यादा बोलना, इसी पे हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस है कि बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जो भी यूट्यूब सेशंस हो रहे हैं, अभी कल ही हमारे यहाँ बीएसए साहब ने एक यूट्यूब सेशन हमारी पूरी टीम ने किया था, तो सब पे यही है कि बच्चों को ज़्यादा हमको जो है रखना है, वो इन्वॉल्व हो, वो करें, पहले नहीं कैसे कबूतर पढ़ा देना, नहीं उनको कबूतर दिखाना, इतने तरीके से दिखाना है कि फिर वो खुद से समझ जाएँ कि ये कौन है। अब हमको इस तरह से पढ़ाना है, हमारा जो मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और 100 दिन का हमारा प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन चल रहा है, ये पहले मार्च से चलेगा, अगस्त तक चलेगा, क्योंकि बच्चा हफ्ते में दो ही दिन आ रहा है तो पूरे महीने में वो एक ही वीक आएगा, तो समझिए कि पूरा मार्च हमारा शून्य सप्ताह चलेगा, यानी बच्चों के इसमें कोई पढ़ाई का वो नहीं है, बस चूँकि विद्यालय ऐसा है कि विद्यालय को दीवारें भी सिखाती हैं तो बच्चे खुद से सीखेंगे। तो क्या कहेंगे उन बच्चों से, उनके गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे, स्कूल भेजें बच्चों को अपने स्कूल? हाँ, स्कूल भेजें, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, गवर्नमेंट का ये भी था कि आप बगल के आप जो है ये हॉस्पिटल के वगैरह से नंबर ले, चूँकि मेरे तो हस्बैंड ही विभाग में है तो हमने नंबर वंबर सब ले के रखा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को, और बच्चे एक्चुअली समझ रहे कि वो आना भी चाहते हैं विद्यालय, वो खुद ही मतलब परेशान हो गए हैं, एक साल लगभग 11 महीने और 10-15 दिन हो गए, क्योंकि 13 मार्च पढ़ा के विद्यालय बंद हुए थे, तो वो खुद ही परेशान है। अगर फ़ोन घर पर फ़ोन तो हमेशा हम लोग जुड़े रहते हैं ना, व्हाट्सएप पर बच्चों से गार्जियन से बात तो हमेशा करते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैम कब स्कूल आना, मैम कब स्कूल आना, तो वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, और गार्जियन भी खुद कहते हैं, जब समझ पत्र में हस्ताक्षर ले रही थी तो वो खुद कह रहे थे कि नहीं मैम बच्चे तो खुद ही परेशान है मैम से मिलने के लिए, स्कूल से मिलने, वो मिस करते हैं स्कूल को, तो बच्चे मेरे आने वाले हैं, और हम यही कहेंगे कि अब हम फिर से दुगनी मेहनत से, क्योंकि हमें मेहनत तो बहुत करना है, कितना भी व्हाट्सएप से पढ़ाई हुआ लेकिन जो स्कूलों की पढ़ाई होती है, जो हम फेस टू फेस सिखाते हैं वो चीज़ें व्हाट्सएप पर नहीं हो पाई, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो हमें फिर से दुगनी मेहनत से दुगने उत्साह से काम करना है, और चूँकि अपने विद्यालय को हमको प्रेरक विद्यालय बनाना है, इसके लिए भी हमको मेहनत करना है। हमने दिसंबर तक बेसे साहब आए थे एक दिन निरीक्षण में विद्यालय में, तो उन्होंने पूछा कि मैम कब तक बनाएंगी, तो दिसंबर 2021 हमने दिया है, तो तब तक हमें अपने इस प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करके अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाना है। 1.5 साल बाद हमारे विद्यालय लगभग खुलने जा रहे हैं, बच्चा एक अपने को नई खुशी के साथ आए और अपने को वो महसूस न कर कि बहुत दिन तक हम यहाँ से दूर रहे हैं, और हमारे टीचर्स बिल्कुल अपने विद्यालयों को एक नए लुक मिला रहे हैं, चूँकि शासन की मंशा थी, शासन ने बहुत सारे हमको मटेरियल्स भी दिए हैं जो दीवारों पे चस्पा किए गए, यहाँ भी आप देखिए लगे हुए हैं, और हमारे टीचर बिल्कुल सक्रिय हैं एकदम बच्चों के स्वागत के लिए, और पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय खोले जा रहे हैं।